लोगों को यह पता होना चाहिए कि आज जो रोज टीवी पर बैठकर खिताब करता है अपने दौरे हुकूमत में 4 साल और खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल, ये क्या जुल्म करता रहा लोगों के साथ, जिसने 4 साल इस तरह गुजारे, जिसको आवाम के आज उसको महंगाई याद आ गई है। तो भाई महंगाई तुम्हारी अपनी दी हुई है, ये IMF का मुआहिदा जिसको आज कौम भुगत रही है, ये वाली हुकूमत भुगत रही है, शहबाज शरीफ भुगत रहा है, वो तुम्हारा अपना किया हुआ है। आज तुम किस महंगाई का रोना रो रहे हो, ये तुम्हारी देन है। इमरान खान किस्सा पारी ना हो चुका, तारीख के कूड़ेदान में चला जाएगा, मुल्क IMF के हवाले कर गया। मरियम नवाज का एबटाबाद में तंजीमी कन्वेंशन से धुआंधार खिताब, कहा जेबें तुमने भरी, जेलें आवाम भरे क्यों, जेल भरो तहरीक से पहले फरहा गोगी को गिरफ्तार कराएं, इमरान खान को अदालत जाने से प्लास्टर नहीं जराइम रोकते हैं। सदर आरिफ अलवी की जवान पार्क में इमरान खान से अहम मुलाकात, मुल्क की ताजा तरीन सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, सदर की अपने आईनी इख्तियार पर भी मुशावरत, इमरान खान का इलेक्शन इंतखाब की तारीख ना देने पर इजहार तशवीश। इलेक्शन की तारीख ना देने के केस में पेशरफ्त, इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब को कल तक जवाब जमा कराने की हिदायत, जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए, किसी की परवाह नहीं, केस चल पड़ा, मामला मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा, फवाद चौधरी बोले जो भी फैसला करना है कल कर दें, जस्टिस जवाद हसन ने कहा उनके लिए कोई मसला नहीं, 2 मिनट लगेंगे, समाअत कल तक मुलतवी। नैब तरमीम के खिलाफ केस, सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मौजूदा पार्लियामेंट से होने वाली कानून साजी मुतनासे हो रही है, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबरा ने नैब तरमीम चैलेंज की है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा नैब तरमीम सिर्फ अपने फायदे के लिए की गई, केस की समाअत कल तक मुलतवी। मरी पुलिस की इस्तदा मुस्तरद, अदालत ने शेख रशीद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया, इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत बादस गिरफ्तारी मुस्तरद कर दी, अदालती फैसले में कहा गया कि शेख रशीद अपने बयानात के असरात से लाइल्म है, वो माजी में भी इस तरह के गैर संजीदा बयान दे चुके हैं। मुबैना बेटी छुपाने का केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ नई दस्तावेजात रिकॉर्ड पर रखने की दरख्वास्त मंजूर कर ली, इमरान खान के वकील की आइंदा समाअत पर दरख्वास्त काबिले समाअत होने पर दलाइल सुनने की इस्तदा, दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा इमरान खान को केस के मैरिट पर तहरीरी जवाब जमा कराना चाहिए, अदालत ने समाअत 1 मार्च तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक और यू टर्न, कौमी असेंबली इजलास में शिरकत का फैसला तब्दील, PTI के मेंबरान ने असेंबली अदालत के तहरीरी फैसले की रोशनी में कौमी असेंबली जाएंगे, कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट और स्पीकर के मौकिफ के बाद PTI अरकान ने फैसला तब्दील किया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का फाइनल राउंड जारी, हुकूमत ने तमाम अहदाफ हासिल करने की यकीन दहानी करा दी, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का अच्छी खबर देने का ऐलान, कहते हैं IMF से कोई इख्तलाफ नहीं। डॉलर को रिवर्स गियर लग गया, 4.33 रुपए सस्ता, इंटरबैंक में डॉलर 269 रुपए तक गिर गया, 4 रोज में अमरीकी डॉलर 7.58 रुपए सस्ता हो चुका, सोना 2500 रुपए तोला सस्ता, 22 की रात फी तोला सोने के निर्ख 1,77,000 मुकर। पेट्रोलियम मसनुआत का बहरान, हुकूमत का जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला, वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक कहते हैं मुल्क में 20 दिन का पेट्रोल और 29 दिन का डीजल मौजूद है, जब तक लोगों की मुश्किलात खत्म नहीं हो जाती चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास, तुर्किया और शाम में ज़लज़ला ज़दगान के लिए इमदादी सरगर्मियों का जायजा, शहबाज शरीफ की तालीमी इदारों की फंड रेजिंग मुहिम की हिदायत,
सनअतकारों और कारोबारी अफराद से इमदादी फंड में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील। एक मिनट के जलजले ने तुर्की और शाम को हिला कर रख दिया। रिहायशी इमारतें हों या मैदान, हर तरफ तबाही के निशान। जांबहक अफराद की तादाद 15,000 से तजावुज कर गई। तुर्किया में 12,391 और शाम में 2,992 अफराद लुकमा अजर बन चुके। जलजले से 57 फलस्तीनी भी जान की बाजी हार गए। 50,000 से ज्यादा जख्मी अस्पतालों में जेरे इलाज। तुर्किया और शाम में जलजले से हराक अशखबार, हर तरफ रिकत आमेज मनाजिर। किसी को अपना खोया मिल गया, किसी को अपनों की तलाश। चौथे रोज भी मलबे तले दबे अफराद को निकालने का सिलसिला जारी। गाजियांतप में मां और बच्चे को 55 घंटे बाद निकाल लिया गया। शाम में 2 साला बच्चा मलबे से जिंदा मिल गया। तुर्की में सुबह हाथे से एक बच्चे और बिल्ली को रेस्क्यू कर लिया गया। सिंध हुकूमत का कच्चे के डाकों के खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाई का फैसला। जदीद आलात खरीदने के लिए सिंध पुलिस को 2,80,00,00,000 जारी। महकमे दाखिला की सिफारिश पर वज़ीर आला सिंध ने रकम की मंजूरी दी। सिंध पुलिस ने बैरून मुल्क से जदीद आलात खरीदने के लिए ऑर्डर दे दिया। शुमाली वजीरिस्तान में मीरान शाह के इलाके टोल खेर में 2 ग्रुपों में फायरिंग। गोलियां लगने से 5 अफराद जांबाग। लाशों को मीरान शाह DSQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक वाकया जायदाद के तनाजे पर पेश आया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को खिलाफ इजाफ्ता तरक्कियां देने का केस। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हो सका। सैकड़ों अफसरान तहाल अपने उहदों पर बराजमान। SPs, DSP और SHOs शामिल हैं। खिलाफ इजाफ्ता तरक्कियों के खिलाफ 3 साल पहले रिट दायर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सैकड़ों अहलकारों की तनजली का हुक्म दिया। DIG हेडक्वार्टर ने तमाम DIGs और DPO से अफसरान के नाम मांग लिए। PSL 8 का मेला सजने को तैयार। चमचमाती ट्रॉफी की रोनमाई कर दी गई। ट्रॉफी की तैयारी में 24 के रात सोने का इस्तेमाल। शालावार बाग में होने वाली तकरीब रोनमाई में चेयरमैन PCB नजम सेठी ने शिरकत की। और कौमी क्रिकेटर शादाब खान की जिंदगी की नई इनिंग्स का खास। बारात लेकर दुल्हनिया लेने पहुंच गए साथी क्रिकेटर्स की शिरकत। शादाब खान गुज़श्ता माह सबक कौमी स्पिनर सकलैन मुश्ताक की बेटी से निकाह के बंधन में बंधे थे।